दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। सोशल मीडिया पर एक 19 साल के लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़का दौड़ते हुए घर जा रहा है। लड़के का नाम प्रदीप मेहरा है। वह मैकडॉनल्ड कंपनी में काम करता है। उम्र 19 साल है। मिशन इंडियन आर्मी में जाना है। रात को जब शिफ्ट खत्म होती है तो वह रोजाना 10 किलोमीटर दूर अपने घर दौड़ कर जाता है। इस वीडियो को बनाने वाले का नाम विनोद कापड़ी, जो फिल्म मेकर हैं। वह रात 12 बजे गाड़ी से घर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र एक दौड़ते हुए लड़के पर पड़ी, जो कंधे पर बैग टांगे तेज रफ्तार से दौड़े जा रहा था। कापड़ी ने उसे गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन उसने लिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। प्रदीप के वीडियो पर पूर्व सैन्य अफसर ने उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात की है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने ट्वीट करके बताया कि कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने प्रदीप को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए मौका देने की बात कही है। इसके साथ ही इसी तरह उत्तराखंड के पूर्व मंत्री ने उसकी मां के इलाज की भी बात कही है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जैसे लोगों ने भी प्रदीप के जज्बे को सराहा है। विनोद के सवाल दौड़ क्यों रहे हो पर प्रदीप दौड़ते हुए ही जवाब देता है कि सेना में जाना है, इसलिए मैं रोज अपनी शिफ्ट के बाद घर तक दौड़ता हुआ जाता हूँ। सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाना होता है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए शिफ्ट खत्म होने के बाद दौड़ते हुए घर जाना है। खाना बनाना होता है, इसलिए इस वक्त दौड़ कर जाता हूँ। मम्मी का इलाज चल रहा है। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग रहा हूँ। मेरा घर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। यहाँ नोएडा के बरोला में भाई के साथ रह रहा हूँ। विनोद कापड़ी कहते हैं कि बच्चे वीडियो वायरल हो जाएगा। इस पर प्रदीप कहता है कि कोई गलत काम थोड़े कर रहा हूँ, वायरल हो जाने दीजिए, कौन पहचान रहा है मुझे। विनोद कहते हैं कि चलो मेरे घर वहाँ खिलाता हूँ। प्रदीप बोलता है भाई भूखा रह जाएगा, उसकी नाइट ड्यूटी है, चलो गाड़ी से छोड़ देता हूँ। जवाब आता है कि मैं चला जाऊँगा, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी। अगले दिन 11 बजे रात को विनोद कापड़ी फिर मैकडॉनल्ड रेस्तरा पहुँचे। प्रदीप शिफ्ट खत्म करके बाहर निकल रहा है। विनोद कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि वीडियो वायरल हो जाएगा। प्रदीप कहता है कि हो जाने दीजिए, कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, दौड़ ही तो लगा रहा हूँ, कुछ लोग उल्टा भी बोल रहे हैं। 2-3 कमेंट देखे मैंने, लिखा है इसे कश्मीर में दौड़ाओ, इस दौड़ ना भूल जाएगा। मेरे गांव से मेरे कई दोस्तों का फ़ोन आ रहा है कि भाई तूने तो आग लगा दी। विनोद पूछते हैं कि देश के लोगों को क्या कहना चाहते हो। प्रदीप का जवाब आता है मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है, अभी मैं फिर दौड़ूंगा। रनिंग बीच में रोकना ठीक नहीं होता क्योंकि पैरों में दर्द होता है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने प्रदीप की मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रदीप का जोश प्रशंसनीय है, उसकी योग्यता के आधार पर भर्ती परीक्षा पास करने में मदद करने के लिए मैंने कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता से बातचीत की है। वे अपनी रेजिमेंट में भर्ती के लिए लड़के को ट्रेंड करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने भी प्रदीप मेहरा के जज्बे को सराहा है। उन्होंने कहा, प्रदीप को मेरा आशीर्वाद है कि वह जरूर फौज में भर्ती होगा, उसकी मां के इलाज में भी हर संभव सहयोग किया जाएगा। सुर्खियों में आने के बाद प्रदीप से मिलने के लिए लोग काफी पहुंच रहे हैं। विनोद कापड़ी ने ट्वीट कर लिखा कि मेहनत सुनसान होनी चाहिए, कामयाबी का शोर होना चाहिए। प्रदीप ने मीडिया से अपील की है कि वो उसे उसके लक्ष्य पर फोकस रहने दें और परेशान ना करें। एक यूजर ने वायरल वीडियो पोस्ट किया और आनंद महिंद्रा को टैग कर उनसे पूछा, क्या किसी तरह से युवक की मदद की जा सकती है। महिंद्रा ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, यह वाकई में प्रेरक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरा मंडे मोटिवेशन क्या है, ये फैक्ट कि वह कितना इंडिपेंडेंट है और राइड के ऑफर को मना कर रहा है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, वह आत्मनिर्भर है। प्रदीप के चाहने वालों में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल हो गए हैं। प्रदीप की तारीफ में हरभजन सिंह ने लिखा कि चैंपियंस इसी तरह बनते हैं,
फिर चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड पर हो या फिर जिंदगी में, वह एक विजेता ही साबित होगा। इसी तरह केविन पीटरसन ने लिखा, ये वीडियो आपकी सोमवार की सुबह बेहतर बना देगी, क्या लड़का है। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK Update, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.